7 मार्च सन 2019 जिनेवा ऑटो एक्सपो में सिट्रोएन की तरफ से एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पेश की गई जो कि इस इलेक्ट्रिक मार्केट का गेम चेंज करने का दम रखती है। दोस्तों इस कार का नाम है सिट्रोएन ME1। लुक्स की बात की जाए तो ये एक छोटी सी बॉक्सी कार है जो कि स्मॉल हैचबैक डिज़ाइन के साथ आती है और इसके अंदर दो लोग आराम के साथ बैठ सकेंगे। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, इस कार में कुछ ऐसा दिया गया है जो कि पूरी इलेक्ट्रिक मार्केट को बदलने का दम रखती है, तो मैं आपको वो सारी बातें आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर इसकी बैटरी पावर के साथ। तो यहाँ पर आपको लिथियम आयन बैटरी दे दी गई है जो कि आपको 2 घंटों में फुल चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक का रेंज देती है। बात करें इस कार के टॉप रफ्तार के मामले में तो ये गाड़ी आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आराम के साथ सफ़र करा पाएगी। बात करें इंटीरियर्स की तो 2 सीट्स दी गई हैं, पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको ये बूट स्पेस दे दिया गया है। अब इंटीरियर्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। अगर आपको सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो बगल की सीट निकाल सकते हैं, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप पीछे की सीट को फोल्ड कर आप एक बेड बना सकते हैं। मतलब कि एक छोटी सी कार है लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल दिया गया है। बात करें यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर एक 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और एक 5 इंच का भी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बगल में आपको स्पीकर ज़्यादा बड़ा ना देते हुए एक आपको सिंपल सा ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप अपने मन पसंद गाने सुन पाएंगे। अब मैं सबसे अच्छी बात करने वाला हूँ, इस कार में आपको एक QR कोड फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों ये QR कोड दरअसल होता ही है ना, ये गाड़ी अभी UK में अभी ऑफिशियली लॉन्च होगी सबसे पहले। तो QR कोड ये होता है कि आपकी मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए किराए पर, ओला कैब्स वगैरह नहीं होते हैं, तो आप इस गाड़ी को किराए पर ले पाएंगे सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों हमें एक कैब में क्या चाहिए होता है, हम उससे जल्दी पहुँच सकें, हमें भीड़ का भी ना सामना करना पड़े। तो यार अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे ले जाने की सोचते हैं तो मिनी इलेक्ट्रिक कार बेस्ट ऑप्शन है और सिट्रोएन की ME1 एक कैब पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी कार होने वाली है। तो ये कार आने वाले समय में इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकती है। और इस कार को मैं बात करूँ ज़्यादा प्राइसिंग की तो इसकी प्राइस होने वाली है 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, कोई आम आदमी इसको खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी नहीं पसंद करता, लेकिन अगर ये भारत सरकार कैब पर्पस से अगर इसे इस्तेमाल करती है, अब जैसे कि आपको जाना है कहीं 2 लोग हो तो आप सोचोगे क्या मैं ऑटो करूँ, मैं सीधे जाता हूँ सिट्रोएन की स्कैन करूँगा, गाड़ी निकालूंगा, फिर आराम से चल चलूँगा, ना भीड़ की टेंशन ना चीज़ की टेंशन है। तो इस पर्पस से ये गाड़ी काफ़ी अच्छा है और ये पूरे इलेक्ट्रिक मार्केट का गेम चेंज करने का दम रखता है। अब दोस्तों क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये कब तक हमारे देश में देखने को मिल सकती है, 2021 से लेकर 22 के बीच में ये हमारे देश में आ सकती है। अब दोस्तों क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं इसके बारे में, वीडियो पसंद आई तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों जो QR कोड वाला फीचर है उसके बारे में दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि आपको फीचर कैसा लगता है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। टेक केयर एंड गुड बाय।